press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. वज़ीर आज़म ये बोल रहे हैं कि मैं सोता नहीं हूं, मुझे नींद नहीं आती, मैं सिर्फ 4.5 घंटे सोता हूं। मोदी जी सो जाइए, अब आपके सोने के दिन आ चुके हैं। आप अगर 4 घंटे सोते हैं तो किसान हजारों की तादाद में पुतकशी कर लिया। आप 4 घंटे सोते हैं तो 2 करोड़ नौकरियां नौजवानों को नहीं मिली। आप 4 घंटे सोते हैं 15 लाख मालेगांव के गरीबों के अकाउंट में नहीं आए। अगर आप 4 घंटे सोते तो पुलवामा में 50 किलो आरडीएस कैसे पहुंच गया। अगर आप 4 घंटे सोते तो फिर आपके 5 साल में सबसे ज्यादा सिक्योरिटी पर्सनल क्यों मारे गए। आप बताइए कि सवाल ये खुद कर रहे हैं कि मैं सिर्फ 4 घंटे सोता हूं। कोई एहसान करे आप, कोई एहसान करे आप। अब आपको फैसला करना है कि जब भारत का प्रधानमंत्री ये चौकीदार चाहे अगर ये फैसला करता है कि जिस पर हमारे बच्चों को खत्म करने का इल्जाम है हम उस प्रज्ञा ठाकुर को उम्मीदवार बनाएंगे। मेरे भाई ये एक पॉइंट काफी है तमाम के लिए। हिंदुस्तान की जमहूरियत तुमको इजाजत देती है कि जिस पर इल्जाम है असर को मारने का सैयद मुश्ताक का रफीक का हिंदुस्तान की जमहूरियत तुमको मौका देती है कि तुम उसको मनाओ, उसके खिलाफ